बड़वानी जिले की राजपुर तहसील के ग्राम भमौरी, साकर और उमरिया क्षेत्र में लोग लगातार कंपन महसूस कर रहे हैं। यहां हर दिन हलचल हो रही है। ग्रामीणों की माने तो आमजन दहशत के साए में जी रहा है। अभी हमारे यहां 9 तारीख से लगातार झटके आते हैं और मकान हिल जाता है। भूकंप के झटके समझो आप। कोई आया अभी तक? अभी एक बार आए थे एक दिन साहब, उसके बाद कोई अधिकारी नहीं आया। किसी तरह का गांव में सर सब बहुत डरे हुए हैं। 9 तारीख से भूकंप लगातार डेली रात में भी आता है, दिन में भी आता है, कई मतलब बहुत झिंग से आता है, आवाज़ें भी होती है, तो लोग डरे हुए बिल्कुल है। रात में अंदर सोने के लिए मजबूर मतलब बाहर सोना पड़ता है किसी को, तो मतलब डर इतना बैठ गया है। प्रशासन से अभी तक कोई आया? कोई भी अभी तक नहीं आया है प्रशासन से यहाँ पर। बिल्कुल लोगों को इतना डर लग रहा है कि कब क्या हो जाए, बड़ी घटना ना हो जाए, अभी तक राम भरोसे है। SDM के दौरे की बात चल रही थी, यहाँ हुआ था? बिल्कुल नहीं, यहाँ गांव में आया है। हो सकता है कभी बाहर आके मिलकर गया, लेकिन यहाँ गांव में तो अंदर तो नहीं आया था। पिछले एक सप्ताह से इस ग्राम में हो रही भूगर्भीय हलचल के चलते ग्रामीण बार बार अपना घर छोड़कर खुले आसमान के नीचे दिन बिता रहे हैं। गांव के एक कुएं से उठते पानी के बुलबुले यह बता रहे हैं कि धरती के नीचे कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, लेकिन प्रशासन निश्चिंत है। इलाके में भूगर्भीय हलचल की जानकारी मिलने पर सांसद गजेंद्र पटेल ने भूकंप प्रभावित ग्रामों का दौरा कर लोगों के हाल जाने। पटेल ने कहा कि उन्होंने यहां के हालात को लेकर कलेक्टर से चर्चा की है और जल्द राज्य शासन से भी चर्चा करेंगे ताकि लोग भयमुक्त जीवन जी सके। और आज सुबह मैंने कलेक्टर को बुला के उसको निर्देश दिए कि तुरंत भूकंप जांच अधिकारियों को बुलाएं और ये इसकी जांच करें कि आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी। ऐसा ना हो कि आज की जो तीव्रता गति है वो बढ़कर आए, गाँव के लोगों को नुकसान हो, कि जनहानि की मकान हानि हो सकती है। इसलिए मैं आज ये सर्वे के लिए आया था। बहुत सारी जानकारी मुझे गांव के लोगों से मिली है। गांव के लोग काफ़ी दहशत में हैं। मैंने उनको आश्वासन दिया कि कुछ ना कुछ अच्छा उच्च स्तर पर हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी ही जांच अधिकारी की टीम आएगी और इस पर अमल करेगी। और ये ध्यान में आने के बाद मैं तत्काल ऊपर भी भोपाल लेवल से बात करूँगा और राज्य सरकार से भी आग्रह करूँगा कि ये 5-6 गाँव जो हैं इस पर तुरंत जांच करें कि आने वाली परिस्थितियों को हम भाप सकें और उस पर नियंत्रण हम कर सकें। राजपुर से अजय यादव की रिपोर्ट।